आज बृहस्पतिवार है, कोइंसिडेंस। लेकिन अगर आप लोगों की राशि में बृहस्पति काफी ज्यादा भारी हो चुका है तो भैया उससे मैं बचा नहीं सकता, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने उसे हॉन्टेड तक घोषित कर दिया। लेकिन अर्थ और जुपिटर में केवल सिमिलैरिटीज नहीं है बल्कि काफी सारे डिफरेंसेस भी है। पहला डिफरेंस तो यही है कि वहाँ भी बिजली गिरती है। 2016 में जूनो स्पेस क्राफ्ट ने डिटेक्ट किया, केवल 8 चक्कर मारने पे उसे लगभग 377 से ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिला। लेकिन सवाल यह है कि डिफरेंस क्या है, मतलब कितनी भी लंबी फेंक दोगे? गुड क्वेश्चन। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इसका जवाब देखा जाए। वैसे भी जुपिटर हमसे काफी चटक है, मतलब काफी चटकी से ये अपने एक्सिस पे अपना चक्कर लगा देता है, मतलब अर्थ से बिल्कुल हाफ टाइम में, यानी केवल 10 घंटे के अंदर ये अपने एक्सिस पे पूरा एक रोटेशन ले लेता है। बातचीत जुपिटर की केवल हवाओं से होती है, मतलब बहुत ऊपर है, पर लग चुके हैं जुपिटर पे, और यही रीजन है इसके स्टॉर्म कभी भी शांत नहीं होते। साथ ही साथ इसके वहाँ जो लाइटनिंग होती है वो अर्थ की लाइटनिंग से 100 टाइम ज्यादा बड़ी होती है। बड़ी मतलब लंबाई में नहीं बल्कि पावर में, और इसकी जो विंड की स्पीड होती है वो लगभग 335 माइल्स होती है। अब ये इन हवाओं का हमने करना भी क्या है, उड़ेंगे थोड़ा इनमें। के रेफरेंस की मदद से कभी केवल ये बताना चाहते हैं, भैया 3 टाइम फास्ट है वहाँ की विंड, और साथ ही साथ इसका जो एक ग्रेट रेड स्पॉट है, यानी जो ये बड़ा सा टोर्नेडो टाइप चीज है, वो अर्थ से भी बड़ी है। और जितने उम्र हमारे गांवों की नहीं होगी उससे ज्यादा उम्र तो इसकी है, केवल 300 ईयर्स। अर्थ में नहीं है इतना पोटेंशियल, जितना हमारे यहाँ का सबसे लंबा हरिकेन है वो केवल 31 डेज तक रहा, मतलब एक महीने में खत्म। हमारे यहाँ के हरिकेन्स और स्टॉर्म काफी फुद्दू टाइप के हैं, और जो ये आते भी हैं वो भी आते हैं लगभग 20 से 50 माइल्स बिलो हमारा अपर एटमोसफेयर। ऐसे मामले में जुपिटर से बिल्कुल दूरी बनाते हुए नजरें चुरा के भाग जाना, क्योंकि इसके हरिकेन्स इसके क्लाउड से लगभग 300 माइल्स नीचे फॉर्म होते हैं। और केवल इससे कंपेयर कर सकते हो, आपकी जो ये ग्रेट रेड स्पॉट है इसकी गहराई लगभग 200 माइल्स है, जो कि बिल्कुल अर्थ के बराबर है, कोई कंपैरिजन ही नहीं। पर दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि यहाँ स्प्राइट्स एंड एल्फ्स भी है, जिनकी मदद से हम लोग इसे हॉन्टेड प्लेनेट बोल रहे थे। जूनो ब्रो भी काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उसके दम पे नासा ने ये भी बोल दिया है कि हम लोग अब इसके ऊपर काफी ज्यादा नजर रखने वाले हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमें काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। वेल, इसके पीछे का रीजन भी काफी सिंपल है। इनको आसानी इस वजह से होगी क्योंकि इसकी वजह से ये जुपिटर पे हमारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोटिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ के कंपोजिशन को भी जान सकते हैं। भैया इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि पूरे सोलर सिस्टम में केवल 2 प्लेनेट में क्यों दिख रहे हैं ये स्प्रिट्स एंड एल्फ्स? अब चलो हमने ये तो बोल दिया है कि जुपिटर हवा हवाई प्लेनेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। लगभग 58 से ज्यादा बार इसके आसपास घूमने के बाद जूनो ने बताया कि इसका कोर काफी ज्यादा स्टेबल है, वरना इतनी हवा में तो अर्थ पता नहीं कहां से कहां घूम के आ जाता। बात हो रही थी लाइटनिंग की, जुपिटर और अर्थ में दोनों के अंदर लाइटनिंग होती है, और आज के टाइम पे हमारे पास फिजिक्स की काफी नॉलेज है कि हम लोग इस मिस्ट्री को भी नहीं सुलझा सकते, क्योंकि लाइटनिंग के जो भी इवेंट होते हैं ये आज के टाइम पे भी केवल मानो और जानो पे चल रहे हैं। ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्यों हो रही है लाइटनिंग? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में मिल रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज कहीं से आ जाते हैं, और जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो बिजली बनती है। अगर माने ये सारी चीजें सही भी है, लेकिन साइंटिस्टों के पास काफी सारे ऐसे फिनोमिनन है जिसके बारे में वो लोग जवाब कभी दे ही नहीं पाते। चलो मान लिया अभी के लिए उन्हें इग्नोर भी कर लिया, लेकिन मेन चीज ये है कि जुपिटर के अंदर ये लाइटनिंग कैसे आ रही है, और दोनों प्लेनेट पे लाइटनिंग आने के केवल एक ही रीजन होंगे, और उनको ढूंढना मतलब फंडामेंटल ढूंढना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बातों को मानो, बल्कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जैसे कि अर्थ के अंदर आप लोगों को इक्वेटर के पास में काफी ज्यादा लाइटनिंग देखने को मिलती है, पर ये जुपिटर में नहीं है, वहाँ केवल नॉर्थन और साउथन हेमिस्फीयर के अंदर काफी ज्यादा लाइटनिंग होती है। पार्टी वाला मूड जो बनता है वो केवल अपर साइड बनता है, यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तूफान भी चल रहे हैं, बिजली भी गिर रही है, भूत भी नाचेंगे, सब कुछ होगा आपको, लेकिन जाना पड़ेगा नॉर्थन हेमिस्फीयर में। फिलहाल साइंटिस्टों का मानना है रेड स्पॉट को थोड़ा किनारे करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि जुपिटर के इक्वेटर के पास में एक्चुअली में क्यों नहीं होती है लाइटनिंग। अब देखो अर्थ में देखने से आप लोगों को खूबसूरती दिखती है जमीन की, पानी की, लेकिन जुपिटर में मौसम विभाग देखने के लिए कोई ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं करनी, ऊपर से दिख रहा है। वहाँ का जो स्ट्रक्चर बना है वो सारा मौसम की वजह से बना है। सब जगह अलग अलग चीजें आप लोगों को विंड की फ्लो अलग अलग डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। बच्चों अगर मौसम विभाग में जाना है तो मैं बताता हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ट्रॉपोस्फीयर खोल के बैठ जाना है। रेन के बारे में, टोर्नेडोज के बारे में और विंड के बारे में डिटेल आप लोगों को वहीं मिलेगी। ये कौन पूछ रहा है धूप कब लगेगी? जमीन दिखेगी तो धूप भी तो होगी ना। खैर ये सब तो मजाक की बात है, लेकिन एक्चुअली में मून साथ ही साथ हमारे सन के साथ डिस्टेंस और साथ ही साथ काफी सारे ऐसे फैक्टर है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में काफी नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं। लेकिन अगर इसी लेवल का मजाक अगर आप लोगों को जुपिटर के साथ करना है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई सरफेस ही नहीं है। वहां की बातचीत होती है हवाओं से, यानी आप लोगों को जानना पड़ेगा कि उन डस्ट से साथ ही साथ विंड के कंपोजिशनों से कि एक्चुअली में क्या हालचाल। वो अलग बात है कि कोई इच्छुक भी नहीं है वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए, क्योंकि वहां रॉकी सरफेस है ही नहीं,
रॉकी सरफेस नहीं है तो इंसान कैसे रहेगा। पर इमेजिन करो अगर वहाँ रॉकी सरफेस होता तो न्यूज वाले 24 घंटे लगे रहते। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, हमारे सोलर सिस्टम में काफी सारे प्लैनेट्स भी हैं, लेकिन जुपिटर हमसे काफी ज्यादा दूर रहता है। इस वजह से सन से भी काफी दूर है और बीच में एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट भी है। ये सन से लगभग 757 मिलियन किलोमीटर दूर तो रहता ही है, और साथ ही साथ यहाँ जो लाइट आती है वो अर्थ की लाइट से 25% कम है। समझे ये क्यों बताया होगा मैंने? भैया कवि बहुत इंटेलिजेंट है। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअली में साइंटिस्टों का ये मानना है कि जो ये थोड़ी मोड़ी जो रोशनी पहुंचती है जुपिटर तक, यही इन्फ्लुएंस करती है यहाँ की लाइटनिंग को। फैक्टर तो सन भी है ना। अब जैसे बागेश्वर धाम सरकार चल रहा है, अब कोई डिफेंड करने के लिए नहीं है तो माइंड ट्रिक बोल लो। एनीवे, उसके बारे में कमेंट आप लोग कमेंट में कर सकते हो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है तो वो तो यही करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर भूतिया जुपिटर को देखना है तो भैया पिछली वीडियो देख लो। You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche.